हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि AutoCAD में किस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करके दूसरे ऑब्जेक्ट में जोड़ने के लिए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपने होम में क्लिक करना है और इस मॉडिफाई ग्रुप में आपको ट्रिम के बगल में छोटे से एरो में क्लिक करना है और सेकेंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एक्सटेंड। क्लिक करने के बाद आपका ये कमांड बॉक्स एक्टिव हो जाएगा एक्सटेंड कमांड से। और अब आपने सेलेक्ट करना है दोनों ऑब्जेक्ट को जिसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं और जहाँ तक एक्सटेंड जहाँ उसे टच करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर और फिर आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये रहा। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें और ये हो गया। इसी तरीके से आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड है EXTE एंटर। फिर से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, आप चाहें तो तीन या तीन से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फिर से यहाँ पे जहाँ जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।